सभी लोग, आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, आशा करती हूँ, है ना। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सॉरी, एक्चुअली पता क्या होता है, जो शायद मेरा इंट्रोडक्शन है ना, वो इस तरह से होता है जैसे हम लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे ना पहले, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, तो वही चीज़ ना माइंड में आने लगती है। कैच हो गई। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो आज का मैं जो टॉपिक है वो एक सनस्क्रीन को लेकर के है। क्यों है एक्चुअली मेरा क्या है, मैं ऑलरेडी ना ये बार्टिक का सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी एंड रिसेंटली मेरा ये ख़त्म हो चुका है, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे ना कुछ चेंज करना चाहिए। कोई काफ़ी टाइम से मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी, मेरे लिए बहुत बेस्ट है ये वाला सनस्क्रीन ना, ऑल स्किन टाइप है एंड सबसे बड़ी बात है कि वाटर रेजिस्टेंस है, SPF 60 है, P+ है, +++ समथिंग है एंड सभी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अगर इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मेरा ना ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो मुझे ये चाहिए था कि हाँ मैं कोई नया ट्राई करती हूँ इस बार, और अच्छा हो, ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट भी हो, और ऑब्वियसली यार इतनी गर्मी हो रही है ना, आप सभी को पता ही है इतनी गर्मी है और वेदर चेंज हो रहा है, कभी ठंडा हो जाता है तो कभी गर्म हो जाता है। खैर वेदर चाहे जो भी हो, चाहे विंटर है चाहे समर है, हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट को करना ही होता है, बिकॉज़ कि हमें, हम चाहे घर के अंदर हैं चाहे हम बाहर हैं, हमें जो सन्स की जो रेज हैं वो आती ही रहती हैं, तो उसकी लिए हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, एक लेयर तो हमें चाहिए होती है अपनी स्किन को कवर करने के लिए, ताकि हमारी स्किन जो है यूवी रेज से बची रहे, प्रोटेक्शन उसको मिल सके, कोई टैनिंग ना हो, कोई हमारी स्किन डैमेज ना हो, कोई ड्राइनेस ना हो स्किन पर, किसी तरह का कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स ना हो स्किन के ऊपर। तो मैं आज जो बात करने जा रही हूँ आपसे, मैंने जो प्रोडक्ट अपना चेंज किया है वो है एक्वा ग्लो का सनस्क्रीन लोशन। जी हाँ, ये जो सनस्क्रीन है मैंने बहुत सारे इसके रिव्यूज़ देखे थे एंड इसके जो है मैंने काफ़ी सारे एड्स भी देखे हैं, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ थे इसके ना, और हैं अभी भी। रिसेंटली लोग ना जो है वीडियोस डाल रहे हैं, सभी के ही पॉजिटिव रिजल्ट्स शेयर कर रहे हैं जो भी है उनके साथ में, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे अगर चेंज करना है तो क्यों ना मैं भी इस प्रोडक्ट के साथ में एक बार ही तो मैं ट्राई करना बनता है, तो मैं भी चलिए इसको ट्राई करके देखती हूँ कि ये मेरे लिए कैसा है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं इस प्रोडक्ट की करती हूँ कि पता क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने कभी ध्यान किया होगा, अगर आप अपनी स्किन पर कभी भी सनस्क्रीन लगाते हैं तो क्या होता है कि अपर जो ये हमारा ये अपर पार्ट होता है ना, ऊपर साइड का अपर लिप्स के ऊपर का, नीचे का ये इतना जो जॉ का एरिया है एंड जो हमारा फोरहेड होता है उस पर सनस्क्रीन लगाने के बाद में स्वेटिंग होने लगती है। बट हाँ, जो मेरा ये वाला था ये मेरे लिए दी बेस्ट रहा है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वाइट कास्ट इसने नहीं छोड़ता है, कोई स्वेट नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ना वाटर लॉस भी होता है कि हमें स्वेट आने लगता है, कोई जो होते हैं सनस्क्रीन वाइट कास्ट छोड़ के चले जाते हैं, किसी से एलर्जी हो जाती है, कोई स्किन को सूट नहीं करता है, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। तो इसी वजह से मेरे को लगा कि हाँ यार चेंज करते हैं, और ये सभी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो जब मैं इसके रिव्यूज़ पढ़े एंड इसके जब मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स मैंने पढ़ी तो मुझे लगा हाँ यार ये एक बार तो हमें ट्राई करना बनता ही है, तो इसका ही रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, चाहे आपका नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, आप ये हर स्किन टोन के लिए जाने वाला है। दूसरी बात ये है, मैं जो मेरा एक नोट होता है वो ये होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं चाहे वो स्किन से रिलेटेड है, चाहे आपका किसी हेयर से रिलेटेड है, कि बॉडी के किसी भी पार्ट से किसी कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो सबसे पहले आप एक पेस्ट टेस्ट जरूर करें, ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, अगर आपको कोई रिएक्शन होता है या आपकी बॉडी पर कोई भी एलर्जी है तो आप प्लीज़ उस प्रोडक्ट को यूज़ ना करें, अवॉइड कर दें, ठीक है। बात करते हैं हम इस प्रोडक्ट की, ये ड्यूई फॉर्म में आता है,
जो मैं अभी बात कर रही थी इस प्रोडक्ट के बारे में वो ये है कि ये हमें ड्यू फिनिश के साथ में हमें ये मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुझे इसका एक सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट मुझे लगा वो ये है कि एक्वा का जो है इसमें वाटर लॉक सिस्टम है। वाटर लॉक सिस्टम इन द सेंस कि जो अभी मैंने आपसे बात की है कि जो आपको स्वेट आता है वो स्वेट आपका ऐसे ही निकल जाता है, वाटर लॉस ही हम उसको कहेंगे कि जो हमारा स्वेट निकलता है हमारी बॉडी से निकलता है, हाइड्रेशन रहता है बॉडी के अंदर हो जाता है तो ये उस चीज़ को लॉक करके रखता है। इस प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ नहीं है कि आपको इसको यूज़ करने के बाद में स्वेटिंग होगी, नहीं ऐसा नहीं है इस प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर और भी बड़े अच्छे अच्छे से इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जल्दी जल्दी ही सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन हाँ जो तीन चार जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे ही अच्छे लगे हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें जो है विटामिन सी मिल जाता है, उसके साथ साथ में आपको जिंक मिल जाता है, एंड इसके साथ में एक और इसके अंदर चीज़ है एक्वा वाटर भी इसके अंदर मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो है टिटेनियम जिंक ऑक्साइड मिल जाता है, एंड इसके साथ में जिंक ऑक्साइड तो मैंने आपको बोला ही था, एंड साथ साथ में जो मेन इसका जो अच्छा सबसे मुझे लगा है पपाया एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर मैं इनकी डिटेल्स की बात करूँ तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद में जो ये इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं कि ये आपकी फेस पे या बॉडी पे किस तरह से वर्क करते हैं मैं अभी आपको बताऊँगी। उससे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग की। ये हमें इस तरह से ना कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में मिल जाता है। 2 ईयर की इसकी शेल्फ लाइफ है। जो इसकी पैकेजिंग है ब्लू एंड येलो की पैकेजिंग में ये दिया हुआ है। जो इसका क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं 50 ग्राम इसकी जो है क्वांटिटी है, एंड इसके साथ साथ में 399 इसका प्राइस है। अगर हम इसकी ऑफ की बात करते हैं कि क्या किसी ऐप पे हमें ऑफ मिल सकता है अगर हम इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो जी हाँ, अमेजोन पे रिसेंटली आपको इसमें 10% ऑफ मिलेगा। 385 में ये आपको अवेलेबल है। पर्पल पे ऑलरेडी आई थिंक अभी शायद ख़त्म हो चुकी है पर्पल पर से, अदरवाइज यहाँ पर भी आपको सेल में ही मिल जाता। और भी साइट्स हैं जिन पे आप एक बारी चेकआउट कर लीजिएगा, लेकिन हाँ ये प्रोडक्ट जो है ट्राई करना बनता है। आप एक बार मेरे कहने से हाईली रिकमेंडेशन के साथ में आप इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई कीजिएगा। क्यों ट्राई कीजिएगा इसकी डिटेल रिव्यू मैं अभी आपके साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। इसके साथ साथ में हम इसके आ जाते हैं इनर पैकेजिंग पे। इनर पैकेजिंग में ये हमें बहुत सा ये कि ना क्यूट सा बॉटल मिल जाता है। लुक एट दी गाइस, बहुत ही क्यूट सा है, येलो सा है, प्लास्टिक की बॉटल में आपको मिल जाता है। बहुत ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये आपका प्रोडक्ट, इसमें से कहीं भी नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो इसका ये कैप है बहुत ही टाइट वाला है, एंड ये आपको जो है पंप वाली जो पैकेजिंग होती है ना वो इसमें आपको मिल जाता है, तो प्रोडक्ट गिरने का सवाल ही नहीं है। अगर हम इसके टेक्सचर की बात करते हैं तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। लुक एट दी पल्स, जो इसका टेक्सचर है ये एक क्रीमी फॉर्म में टेक्सचर है, और आपका ये टेक्सचर जो ये है आपका जो टेक्सचर है जिसकी मैं आपको बात कर रही हूँ ये आपका कहीं नहीं जाने वाला है। कोई ये वाटर की तरफ फ्लो नहीं कर रहा है, एक क्रीमी टेक्सचर है, बहुत स्मूथ है, बहुत ही जेंटली आपकी स्किन के अंदर ना ब्लेंड हो जाता है, एंड आपको एक ना मैं मैट फिनिश तो नहीं कहूँगी कि हाँ ये आपकी स्किन को मैट की फिनिशिंग में कन्वर्ट कराता है, नो, बट हाँ ये स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है इजीली। कोई वाइट कास्ट ये आपकी बॉडी पर नहीं छोड़ता है। आप देखिए किसी भी तरह का कोई भी कोई वाइट कास्ट इसमें अंदर नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही जेंटली आपकी स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड इसके साथ साथ में इसमें कोई भी स्मेल नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई कलर नहीं है, 100% वेगन प्रोडक्ट है, कोई टॉक्सिन्स पैराफिन्स इसके अंदर नहीं है। इसके साथ साथ में ये जो है आपकी हर स्किन टोन के साथ में जाने वाला है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका यह है कि इसको यूज़ करने के बाद में आपके फेस पर कोई भी वाटर लॉस नहीं होने वाला है, कोई स्वेट नहीं आने वाला है, कोई वाटर रिटेंशन नहीं आने वाला है। ये आपकी स्किन के अंदर वाटर को लॉक करके रखता है। देखिएगा
मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे हैंड पर कहीं कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि हाँ इसको यूज़ करने के बाद में आपकी जो स्किन है वो हल्का सा ग्लोई की फिनिश आपको दिखाई देगा कि एक स्किन पर एक पम्प प्लम जो प्लम्बी स्किन हो जाती है ना उस तरह का आपको दिखा देगा। ये स्किन के अंदर जाकर के ना स्किन को एक्सफोलिएट करता है। एक्सफोलिएट कैसे करेगा, क्योंकि भैया इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं तो वो भी तो अपना काम करेंगे ना हमारे फेस पे, कुछ तो करेंगे ना। जिंक ऑक्साइड है, टिटेनियम भी डाल दिया आपने, विटामिन सी भी डाल दिया, इसके साथ साथ में पपाया का एक्सट्रैक्ट भी डाल दिया। पपाया कितना अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, विटामिन सी कितना अच्छा होता है ना। इसकी एक दो लाइनें मैं आपको बता दूंगी कि हमारे जो इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ ये किस तरह से आपके फेस पे आपके बॉडी पे वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट मैं आपसे विटामिन सी की बात कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से आपके पॉइंट साथ में पॉइंट शेयर कर लेती हूँ। विटामिन सी किस तरह से स्किन टोन पे वर्क करेगा, सबसे पहले हमारी स्किन के अंदर रेडियंस ग्लो लेकर के आता है। वो किस तरह से ग्लो लेकर के आएगा मैं बता रही हूँ। अगर आपके फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन है आपकी, कहीं पर भी आपका एजिंग के साइन आ रहे हैं स्किन पे, कहीं पर भी आपके एक्ने के मार्क्स हैं, आपको पता ही है कि विटामिन सी उनको हाइड करने में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो अगर आपका हाइपर पिगमेंटेशन भी है, एजिंग के साइन भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, अगर फेस पे आपकी कोई डार्क बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ एक्ने स्कार्स हैं या फिर किसी और तरह के स्कार्स हैं, तो उन पर भी ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है। तो बात कर लेते हैं दूसरे वाले जो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, टिटेनियम की, ये किस तरह से वर्क करता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ टिटेनियम की, टिटेनियम डाइऑक्साइड की किस तरह से वर्क करता है। ये हमारे जो सन की यूवी रेज होते हैं उससे आपको ये डैमेज, आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है। इसके साथ साथ में स्किन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड इसके साथ साथ में ये सन बर्न होने से भी बचाता है। ये जो वर्क करता है यूवी रेज को फिल्टर करके स्किन को ड्राई होने से बचाता है। सेकेंड जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे एजिंग के साइन आने लगते हैं ना, हमारी स्किन पर शो होने लगते हैं, उनको ये लॉक करके रखता है, पॉज करके रखता है। मेन इसका वर्क ये है। बात कर लेते हैं हम पपाया एक्सेप्ट की कि ये हमारी स्किन पर किस तरह से वर्क करता है। जो पपाया होता है आपको पता ही है कि जो हमारे स्किन होती है उसके जो डैमेज हो जाती है ना, डेड स्किन होती है, उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी फेस पर जो स्पॉट्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज़ ये है जो हमारी अनस्किन टोन हो जाती है, अनइवन स्किन टोन को ये टोन अप करने में हेल्प करता है, ब्राइटन करने में हेल्प करता है, स्किन को टाइटन करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ में ये स्किन को डैमेज होने से भी बचाता है, एंड इसके साथ साथ में हमारे स्किन के जो टेक्सचर होता है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। तो अगर मैं इस क्यूट से प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ या इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ इस वजह से ही नहीं कर रही हूँ कि चलो भाई हाँ मुझे रिव्यूज़ करना है। ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं कोई स्पॉन्सरशिप में इसको को नहीं मिली हुई कि आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू करना है। तो मैं जेन्युइनली अपने रिव्यू शेयर कर रही हूँ, और आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल पर हमेशा जेन्युइन रिव्यू शेयर करती हूँ। जो प्रोडक्ट मुझे जैसा लगता है या मेरी स्किन पर जिस तरह से वर्क करता है, मैं उसी तरह का ही आपके साथ में रिव्यू शेयर करती हूँ। तो इस प्रोडक्ट की हर जगह तारीफ कोई इसी वजह से नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि ये डिज़र्व करता है, ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, क्योंकि इसमें आपकी जो स्किन है उसको ये जो वाटर है आपका, वाटर रेजिस्टेंस जो है, टेक्नोलॉजी जो इन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है एक्वा का, एक्वा वाटर जो होता है हर प्रोडक्ट के अंदर ही यूज़ होता है, लेकिन इन्होंने ये जो कार्डबोर्ड के ऊपर भी ना ब्लू वाला जो इन्होंने ये दिया हुआ है कलर, तो वो इसी के लिए ही है कि हाँ जो हमारा एक्वा का जो है इनका मेन पैकेजिंग का शेड यही होता है, तो हम उसको ब्लॉक करके रखते हैं, लॉक करके रखते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इन्होंने ना वाइट उसमें डाला हुआ है, सभी डिटेल्स इन्होंने डाली हुई है, और यहाँ पे एक्वा का लिखा हुआ है, और उसको भी ना एक लॉक बनाया हुआ है या ताला बनाया हुआ कि हम उसको लॉक करके रखते हैं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत अच्छा है, और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देता है यूवी रे से, एंड यूवी जो 50 जो इसमें एसपीएफ मिल जाता है प्लस, वो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देता है। एंड इसका जो है ये आपकी स्किन के ऊपर से सिर्फ 6 आवर तक आपके ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर वर्क करेगा। आपको फिर इसको रिपीट करना पड़ेगा आफ्टर 6 आवर, ये मेन है इसके अंदर, आपको आफ्टर 6 आवर्स इसको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा से ये आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा।
तीसरी चीज़ ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर आपको वाटर टेक्नोलॉजी का मिल जाता है, वाटर लॉक टेक्नोलॉजी मिल जाती है। सेकंड चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई भी वाइट कास्ट नहीं है। थर्ड चीज़ ये है कि आपकी स्किन के अंदर ये बड़ा जेंटली स्मूथली आपकी स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये फोर्थ अगर हम पॉइंट की बात कर लेते हैं तो 100% वीगन प्रोडक्ट है। फिफ्थ अगर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, माय गुडनेस, मैं तो इसको ट्राई कर ही रही हूँ। अगर ये मेरा ख़त्म हो जाता है तो मैं इसका सेकंड वाला प्रोडक्ट भी बाय कर लूँगी। ठीक है गाइस, तो मेरी साइड से ना ये प्रोडक्ट तो भैया 101% रिकमेंडेड है, और जाइए बाय कीजिए। ऑल स्किन टाइप है। मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो वो पूछती भी हैं कि हम ड्राई स्किन के लिए कुछ बताइए हमें, तो भैया मैंने ये प्रोडक्ट बता दिया है, आप इसको आराम से जाके बाय कर सकते हो। लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ साथ में चैनल पर अगर न्यू है, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के मैं अच्छे अच्छे रिव्यूज़, हॉल वीडियोज़, ब्यूटी से ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। और अभी अपकमिंग वीडियोज़ में मेरे चैनल पर आपको ढेर सारे हॉल वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ में इसी तरह से बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। किसी और अच्छे से प्रोडक्ट का रिव्यू आपको चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट डाउन कर दीजिएगा। कोई अगर आपकी क्यूरी है किसी भी तरह की तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो, या इंस्टा की मैं आईडी यहाँ पे टैग कर दूंगी, आप मुझे इंस्टा पे जाकर डीएम कर दीजिएगा, इंस्टा पे जाकर मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। चैनल पर चल रहा है गिव अवे, गिव अवे के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। जब तक मेरे 800 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं उससे पहले मैं उसके रिजल्ट शेयर नहीं करूँगी। सेकंड चीज़ ये है कि मैं हर मंथ अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं अपने चैनल पर एक बंदे को या एक सब्सक्राइबर को विनर बनाऊंगी, जो मेरे सभी वीडियोस को वॉच करेगा, मेरे वीडियोस को शेयर करेगा, एंड मेरे ओल्ड वीडियोस और अपकमिंग जितने भी न्यू वीडियोस हैं वह उनको वॉच करेगा, एक्टिव रहेगा, हर वीडियो पे उनका कमेंट होगा, मैं उनमें से ही चूज़ करूँगी। जितना जो एफर्ट डालेगा मैं उन्हीं को ही कंसीडर करूँगी। ठीक है गाइस, तो ये आज का मेरा वीडियो था। गिव अवे का विनर भी मुझे चूज़ करना है, तो अभी मैं उनके नाम भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन जो अभी मैंने आपसे बोला है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो गिव अवे की विनर की मैं आपसे बात कर रही थी। ऑलरेडी मैं इस वीडियो में गिव अवे का विनर का नाम मैंने स्क्रीन पर कहीं पर भी इस वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा कि कहाँ है, शुरू में है, बीच में है, एंड में है, कहाँ है, कौन है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड वंशिका जो है गिव अवे की विनर बनती हैं। वंशिका, मुझे पता है कि आप मेरे जो 800 वाला जो गिव अवे है आप उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और पूरे एफर्ट्स कर रही हैं, आपने ओल्ड वीडियोस को भी मेरे वॉच किया है, तो मैं ये कहूँगी कि आप चैनल पर इसी तरह से बनी रहे मेरे साथ में। एंड मैं ये एफर्ट्स आपके जो मेरा 800 वाला जो सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएंगे मैं उसमें आपके डेफिनेटली कंसिडर करूँगी, तो मे बी कि आप उसमें भी विनर हो, तो इसी तरह से चैनल पे मेरे साथ में बने रहिएगा आप। एंड इसके साथ साथ में मेरी जो एक और ओल्ड है सब्सक्राइबर मानसी, एक्चुअली जो हुआ था मेरा फर्स्ट जो गिव अवे था मैंने उनको गिव अवे सेंड किया था, तो डोंट नो कि क्या हुआ है, वो ऑन द वे जो था वो प्रोडक्ट उनको जो है टूटा हुआ रिसीव हुआ। तो आई एम सो सॉरी अगेन मानसी, मैं आपके लिए आपको ना एक और मैं गिफ्ट सेंड कर दूँगी, तो आप प्लीज़ एक बार अपना जो है एड्रेस मुझे आप इंस्टा पे डीएम कर दीजिएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, और इसी तरह से चैनल पर मेरे साथ में आप बने रहिएगा। और गिव अवे मंथली मेरे चैनल पे अब चलने वाला है, इनको मैं जो है 300 का ये किसी भी साइट से अपना चूज़ कर सकती हैं। वंशिका, आप कहीं से भी आप 300 तक का प्रोडक्ट चूज़ कर सकती हैं, आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, मैं आपको वो ऑर्डर कर दूंगी। ठीक है, शिपिंग चार्ज इंक्लूड है उसके अंदर ही, तो आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ करती हैं शिपिंग चार्ज उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, बिकॉज मेरा चैनल अभी स्टार्टिंग स्टेज पर है, अभी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं, मेरा वॉच टाइम अभी बहुत पड़ा हुआ है, तो
अगर आप लोग एफर्ट्स डालेंगे, प्लीज़ करिए थोड़ा सा, मे बी कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं और मैं फिर बड़े बड़े गिव अवेज आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो मिलती हूँ किसी और अच्छे से कंटेंट के साथ में, अच्छे से वीडियो के साथ में। अपना आप ख्याल रखिएगा, मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो के लिंक शोर को आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।